सर आज दिया मेन प्रॉब्लम्स दे विचों एक प्रॉब्लम पंजाब दी नशियां दे आ एक बहुत ज़्यादा पंजाब दा यूथ 70% यूथ नशियां च लग्या होया सर मैं ये नहीं पूछना कि भी ये नशा आ कित्थों रहा मैं ये पूछना चाहना कि थोड़ा अपने इस इन्हां नशे दे हटाउण तुसीं कहिंदे हो कि असीं 3 महीने दे अंदर अंदर असीं नशे नूं हटावांगे घट करांगे एक ए केडिया स्ट्रैटेजीज होणगीआं केडिया तुसीं स्ट्रैटेजी यूज करोगे कि नशा ए घट जाऊगा असीं किवें थोड़े ते यकीन करिए केडी स्ट्रैटेजी ओह सानूं दसो इहदे वास्ते असीं यूथ नूं ब्लेम नहीं कर सकते यूथ ते आप विक्टिम आ अफसोस की गल आ कि जिहड़े बंदे नशा करदे सी करांदे सी तस्करी करदे सीगे उहनां चों बहुत सारे हली बाहर आ आम जिहड़ा यूजर आ जिहड़ा आप पीड़ित सीगा वो तुसी अंदर डकते 5-10 हज़ार बंदे अंदर डकते सो सब तो पहलों जो अरविंद केजरीवाल गल करते हैं कि असी नशा ते ठल पाउणी आ वो जिहड़े नशा तस्करी करते जिहड़े लियाउंदे आ जिहड़े लोगों नूं मजबूर करते लैण वास्ते उन्हां नूं उन्होंने कहा वा भी 45 दिनां दे विच लभना नहीं कोई उन्हां चों जो उत्तों वचनबद्धता होवे ना और जे तुहाडा कोई मिनिस्टर ही उहदे च इनवॉल्व आ उहदा कोई कारोबार उहदा कोई एक्शन ना लवे ते की नशा बंद होना वा इहो ही इत्थे हुंदा रिहा और यो ही नहीं सरकारी सरकार तो जी इनवॉल्व होगी या उन्होंने कुछ मंत्री इनवॉल्व होंगे या उन्हें बंदे इनवॉल्व होंगे विरोधी धिर भी इतने उही विरोधी धिर जो इनकुआरी होनी है भी CBI इनकुआरी है तो विरोधी धिर कहता जी नहीं CBI इनकुआरी नहीं विरोधी धिर का मुखी कहता CBI इनकुआरी नहीं क्यों नहीं क्योंकि तेरे परिवारिक संबंध है आम आदमी पार्टी जी ये किसी यहोजे बंदे परिवारिक संबंध हो ही नहीं सकते ये साडा सानू वादा वा और जिहड़ा भी इनवॉल्व होगा साडा अपना बंदा इनवॉल्व हुआ दिल्ली दे विच एक मिनिस्टर सीगा उन्हूं अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने रिपोर्ट मिली इस तो पहलों भी मीडिया ने भी पता लगा उन्हें बाहर कढ़ता उन्हें सो इस करके असी शुरुआत उत्तों करनी है और उस तो बाद असी थले जी रीहैब जो भी करने की लड़ है रीहैबिलिटेशन करने की लड़ आ कि किमें रीहैबिलिटेशन करनी है उन्होंने किमें मदद करने की लड़ आ यह प्रोसैस जोड़ा वा उत्तों भी करा तो थल्यों भी करा सो असी कमिटिड हाँ और असी बड़े आसावंद हाँ सानू लगता वा भी जे असी आप कमिटिड होइए वचनबद्ध होइए और अं सचे होइए अपने टीचे दे विच ते मेरा ख्याल नहीं भी ये कोई दिक्कत हो सकती है अज तो 10 साल पहलों नशे क्यों नहीं सी 15 साल पहलों क्यों नहीं सी हूँ क्यों हाँ सो ये सानू समा दिओ एंड वी विल टैल यू हाउ वी कैन डू इट सर मेरा एक क्वेश्चन RTE दे अकॉर्डिंग उहदे च लिखिया होया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 8th फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 8th मीनस सारे बच्चों नू फ्री ते कंपलसरी एजुकेशन लिखिया ना सर इनू प्राइवेट स्कूल्स दे उपर क्यों नहीं लागू किया जा सकता जदों प्राइवेट स्कूल्स दी गल आउंदी आ तां असीं 25% ते ओह भी 25% सिर्फ कागजां च दित्ता नहीं जा रहा जिहड़ा प्राइमरी स्कूल आ उहदे वल तो परवाह ही कोई नहीं करता पिंडां जिहड़े प्राइमरी स्कूल आ गवर्नमेंट स्कूल आ जिवें अगे कहा कि उहनां ते टीचर ही है नहीं गे 10,000 टीचर है नहीं उहनां च और जिहड़े टीचर है भी आ उह किहनूं पढ़ाउंदे उत्थे उह बेसिकली उत्थे साडे पिंडां दे जिहड़े दलित बच्चे आ उह जांदे आ दलित बच्चे जांदे उत्थे बहुत चंगी गल आ पर बाकी बच्चे क्यों नहीं जांदे असीं उहनां नूं प्राइमरी स्कूलां नूं गवर्नमेंट स्कूलां नूं असीं सिर्फ दलितां वास्ते ही रहिंदा सारे बच्चे उत्थे जाने चाहिए है दलित साडे समाज का बहुत वड्डा हिस्सा ने